सिक्किम के हड़ां के नाल जुड़ी इस वेले की वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी करदे हाँ। मरण वालियां की गिनती 21 हो गई है। फौज के 15 जवानों के समेत 103 लापता लोगों की भाल हुण जारी है। हुण तक 2411 लोगों नूं बाहर कढ के राहत कैंपां दे विच रख्या गया है। सिक्किम दे विच आए हड़ दे विच शुक्रवार नूं 21 लोगों की मौत हो गई क्योंकि फौज अते NDRF दीआं टीमां ने तीस्ता नदी दे बेसिन अते उत्तरी बंगाल दे विच वह गए लोगों की भाल दे विच तीजे दिन भी तेज़ वह रहे पानी दे विच अपना काम किया अते लोग अजे भी लापता हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने दस्या है कि बारदांग खेतर तो लापता हुए 23 फौजी जवानों के विचों 7 दीआं लाशां वख-वख खेतरां तो बरामद कीतियां गईआं हन जदों के एक नूं बचा लिया गया है अते 15 लापता जवानों की भाल हले भी जारी है। बुधवार सवेरे उत्तरी सिक्किम के लोनाक झील से बदल फटन के कारण 15 फौजी जवानों के समेत कुल 103 लोग लापता हैं। मिली जानकारी के मुताबिक हड़ां के कारण बेघर होए कुल 7644 लोगों को 4 प्रभावित जिलों के 26 राहत कैंपों के पनाह दी गई है। हड़ ने सूबे के 13 पुल तबाह कर दिते हैं। इकले मानंग जिले के 8 पुल रुड़ गए। गंगटोक 3 और नामची के 2 पुल तबाह हो गए हैं। इस नाल तुहानू दस दिंदे हाँ कि चुंगथांग शहर हड़ की सब तो वध मार चल रहा है और इसका 80% हिस्सा बुरी तरह प्रभावित होया है। राज की जीवन रेखा मने जाते NH-10 कई थावां ते भारी नुकसान होया है। मुख सकत्तर VB पाठक ने कहा है कि मौसम की स्थिति के आधार पर फौज शुक्रवार को उत्तरी सिक्किम के लाचेन लाचुंग और चुंगथांग खेतरां दे विच फसे लगभग 3000 सैलानियों कढ़न का काम शुरू कर सकती है। उन्होंने सड़क राही गंगटोक ले जाने तो पहला हवाई जहाज़ के राही मंगन लिया जाएगा। नुकसान का मुलांकन करन अते सड़क संपर्क नूं बहाल करन दी योजना बनाउन लई सारियां एजेंसियां द्वारा सर्वेखण कीते जा रहे हन। रिलीज़ दे विच कहा गया है कि वाहनों की आवाजाई दे लई सिंगल लेन नूं साफ करन दे नाल सिंगटाम अते बारदांग विचकार सड़क संपर्क नूं बहाल कर दिता गया है। होर नवीं खबरां देखण दे लई सबसक्राइब करो PBX News द ऑफिशियल YouTube चैनल।